and over again. The government has been trying to milk it. But was this the sentiment felt this time around when the election budget, the big bonanza budget, was laid out by the present regime? Hello and welcome. You're watching Youth Quick this week. I'm Sonal Mehrotra Kapoor, and we come to you this time around to talk about all things budget. And one aspect which perhaps hasn't been spoken much about is how does it impact the youth in the country? I've often felt if there is one community, one rank of people who will have the maximum impact come elections, just about 60 days from now, it is the young in the country. About 66% of India's population is under 30. What they decide, who they vote for, will be changing the course of the country. So on that note, I'm going to kickstart by trying to understand from them what were the big takeaways when it came to the young in the country from this time's budget. I just want to have a show of hands. How many of you saw the budget this time around? Yeah? And how many of you were deeply impacted or thought that it had a lot of takeaways for the young in the country? Very few. How many of you felt it disappointed you when it came to young in the country being addressed in the budget? All of us? All of you felt disappointed? Disappointed with the budget. Why do you say that? Because our expectation from the government is quite more. When it's all about you, आपने एक तरीके से अगर देखा जाए तो टैक्स के लिए देखा, बाकी हर मुद्दे को ध्यान रखा, बट जो हमारा करंट टाइम का यूथ है, जो करंट टाइम में अभी अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए ऐसा मुझे कुछ खास नहीं दिखा, ना हमारी पूरी टीम को दिखा, बिकॉज वी हैड अ डिस्कशन, हम कल कॉलेज में इस चीज को डिस्कस कर रहे थे. बट द पॉइंट इज कि जब बात यूथ की आती है, जब बात हमारी कहते हैं एम्प्लॉयमेंट की आती है, तो करंट टाइम में तो जो एम्प्लॉयमेंट में जो हमारा एक्सपेक्ट था कि गवर्नमेंट आएगी तो एक नया अच्छा ग्रोथ आएगा, बट वो ग्रोथ हमें देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिला. जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव टू ऑल आवर व्यूअर्स, वी आर कमिंग टू यू फ्रॉम अ कॉलेज व्हिच हैज अ लॉट ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स. These are all MBA students who are studying finance, who are studying marketing, are doing their BBA. They all want to become professionals later on. And आपके हिसाब से जो एक core मुद्दा है, जो issue address होना चाहिए था, वो jobs का, वो नहीं हुआ. उसके अलावा कोई और issue है जो आपको लगता है address होना चाहिए था, नहीं हुआ? Reservation system. Reservation. Yeah, I think reservation system. I think either the slab of the percentage should be lower, or I think the in total the reservation system should be abolished. पर उस पर सरकार ने कुछ नहीं बोला, वो आपको लगता है एक letdown था. इसके अलावा कोई और issue आपको लगता है? हाँ. मैम, मोर देन 80% स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, बट सरकार ने उस लोन के विषय में कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो दो साल के आपके 36 महीने के लिए आप मेमोरेंडम देते हैं, उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. वो कोई ये नहीं, आप किसानों के कर्ज माफी देते हैं, माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग भाग जाते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं. आई थिंक इट्स अ बिग इशू फॉर अवर स्टूडेंट. जहाँ पे 80% लोग आपको लोन देते हैं, तो उनके लिए भी तो आपको कुछ बोलना चाहिए बजट में. जो मुद्रा योजना की बात हुई, उसको आपको नहीं लगता वो इम्पैक्ट ला पा रहा है? मैम, मुद्रा योजना के लिए हम लोग बैंक के लिए आप जाते हैं लगातार, आपको एक हफ्ते के काम में वो महीने भर दौड़ाते हैं, उस पर इम्पैक्ट तो होना चाहिए. मुद्रा योजना उन्होंने कह दिया 5 करोड़ लोग, जो अनाउंसमेंट है ग्राउंड पे दिख नहीं रहा, ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है. फैसिलिटीज को लेके भी बहुत सारे इश्यूज आए. अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि वुमेन्स को 24 वीक तक मैटरनिटी लीव मिलेगी, पर पता नहीं कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा. और उससे पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज निकाली थी, पर अभी तक वो फैसिलिटी हमें मिल नहीं पाती है. जो दो तीन चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, जो इश्यूज थे यंग लोगों के, यंग इंडिया के, जो वो चाहते थे एड्रेस करें, ए एम्प्लॉयमेंट, बी साइबर सिक्योरिटी जैसे उन्होंने कहा, सी रिजर्वेशन, बी जो इम्प्लीमेंटेशन है एजुकेशनल लोन्स का इम्प्लीमेंटेशन. सो 4 बेसिक की आइडियाज जो यंग इंडिया चाहती है बात करें, उसके बारे में सरकार ने बात नहीं करी. एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, तो सरकार ने एक तरह से स्कर्ट कर दिया इशू. फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बात करी, सबके चेहरे, यू नो, एवरीबॉडी शेकिंग देयर हेड दैट या दिस हैपेंड. दे स्कर्टेड द इशू एंड दे टॉक्ड अबाउट दैट देयर शुड बी अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट बिकॉज द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज डूइंग, कंट्री इज ग्रोइंग एट अ पर्टिकुलर नंबर नाउ. लेकिन उन्होंने इस बारे में, आप लोगों ने लगा कि बात नहीं करी, जो नैसो की रिपोर्ट है जिसने कहा कि 45 ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज़्यादा कभी नहीं रहा है जितना इस बार था.
सबसे पहली बात तो अगर देखा जाए डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे पहले क्या हुआ कि जो जॉब में थे वो भी जॉबलेस हो गए, क्योंकि मनी का जो सर्कुलेशन था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। फिर अगर बात करूं बाकी पॉइंट्स का, जहां से हमारा मेन सोर्स है, अब जितनी आप क्या कर रहे थे जब डिमोनेटाइजेशन निकल कर आया? बेसिकली आई वाज अ स्टूडेंट और मैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा था, एंड लिटरली 2 साल मैंने उसमें दिया एंड आई डोंट सी एनीथिंग रिजल्ट। मैंने कई पेपर्स दिए बट स्टिल आपको विश्वास नहीं होगा 2 साल हो चुके हैं उस बात को, बट स्टिल अभी किसी का रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ है। मेरा 2 साल रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ है, मतलब रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट अवेटेड है। एक बार एग्जाम होता है। कौन सा एग्जाम है मैम? अभी आपका सचिवालय का पेपर हुआ था लखनऊ में, अपर निजी सचिव के लिए, उसका रिजल्ट ऐसे कोई क्लियरिटी नहीं थी। प्लस इनका जो भी होता नहीं, काइंड ऑफ एम्बिगुअस सिस्टम है, जब भी आप कुछ कर रहे हो तो उसका आपने एक बार एग्जाम कंडक्ट किया, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक, फिर आपने री एग्जाम करो। ऐसे कोई कितने लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए और उनका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है? गवर्नमेंट, हाँ, 2 साल से एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट ही नहीं हुए, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर लास्ट ईयर फॉर्म्स ही नहीं निकले थे, लास्ट ईयर फॉर्म्स नहीं निकले, स्टिल वी आर वेटिंग। पहले तो पेपर ही लीक हो गया था, पेपर लीक हुआ था, एंड देन उसके बाद अभी री हो रहा है, अगेन री हुआ, सेकंड जो अटेम्प्ट होता है। काफी प्रोटेस्ट हुए एसएससी के पेपर के बारे में उसके बाद, वी आर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, बट देन लास्ट ईयर एग्जाम्स ही कंडक्ट, सो यू हैव नाउ गिवन अप? या बिकॉज अब How many years for I can wait now? आपको लगता है ऐसा कितनी desperate हो गई है situation that graduates are applying for a job of a PN? कि आप ये desperation है या young India अभी भी fancy करता है government jobs को ज़्यादा, या ऐसा भी है that we are very enamored, हमें लगता है बड़ी safe and secure रहेगी government job, ऐसा है अभी भी लगता है लोगों को? क्योंकि अनएम्प्लॉयबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो जॉब्स बच गई हैं लोग उसी के लिए जा रहे हैं, एंड दे आर वेरी एजुकेटेड एंड स्टिल दे आर गोइंग फॉर पीओन जॉब्स। इन 2018 द अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट हैज़ इंक्रीज टू 7.8%, जबकि लास्ट 2014 में इट वॉज अराउंड 5%। सो इट हैज़ रिजल्टेड इन मेकिंग द जॉब्स, वॉट एवर जॉब्स आर अवेलेबल, पीपल आर गोइंग फॉर देम। So what are the options? What are the fears when it comes to young India? Due to the unwilling. One second, let me come here. Yeah. Because this is mainly because parents are not willing to change, because they are still dreaming of their, they want their children to fulfill their dreams. It's the fault of the parents. The kids don't matter. I thought young India is quite rebellious. They don't listen to parents anymore. Like they are unwilling to change. They are still finding their dreams in their children. They're not letting their children letting dream. So they want they should go in the government job, then everyone cannot get the jobs. Did your parents also pressurize you? Obviously they did, but finally they gave up because I was not ready for it. I was not ready for the government job. Private sector is basically better for general people is because there is no reservation over here. In government sector, there is very less chances of general people to get the jobs. But in private sector, they don't differentiate on the basis of caste. आप में से कोई हाथ बुला के मुझे दिखा सकता है कि कितने लोगों को लगता है कि reservation होना ही नहीं चाहिए? Wow, that's a huge number. All of you feel that reservation should be completely done away with. Why is that? And because from starting there is everywhere, मतलब हर जगह reservations है. अगर आप schools लेते, colleges लेते, colleges में आपको reservations मिलते कि ये वाली ये जो seats हैं 100 में से इतनी seats आपकी पहले से allotted हैं to the मतलब जो उसके अंदर रिजर्वेशन के अंदर क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। उसके बाद जब आप जॉब्स में जाते हैं तब आपकी वहाँ से शुरू हो जाता है रिजर्वेशन। गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तब आपका रिजर्वेशन शुरू हो जाता है। अगर आप 100 सीट्स के लिए पर्सपेक्टिव दे दूँ आप लोगों को, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर दिल्ली के हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं। तो इन सारी जगह के लोग जो अर्बन इंडिया में बेस्ड हैं उनको लगता है दैट दे सफ़र बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट रिजर्वेशन एट ऑल। यू वर सेइंग बिकॉज रिजर्वेशन कहीं ना कहीं करप्शन को भी जन्म देती है, कहीं ना कहीं जो रिजर्व सीट्स हैं वो बिकती भी हैं, कहीं ना कहीं अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को दी जाती हैं। और चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, ज़्यादातर परफॉर्मेंस बेस्ड रहनी चाहिए, ना कि किसी कोटा के या किसी के उसके बेस्ड रहनी चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई मेहनत कर रहा है, चाहे वो अच्छी अपर क्लास का हो चाहे लोअर क्लास का हो, मेहनत हर कोई करता है, दो वक्त की रोटी हर किसी को खानी है। लेकिन इससे अगर हम ऐसे प्रमोट करेंगे लोगों को जो पिछले वर्ग के हैं, उससे हमारा इंडिया कभी डेवलप नहीं कर पाएगा, कभी जो स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटीज नहीं होंगी। बस यही है, हमारे जितना यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं सब अर्बन इंडिया से आते हैं, तो ये पर्सपेक्टिव उसकी वजह से भी हो सकता है। थोड़ी सी चीजें और भी ऐड करना चाहूंगा। मानता हूँ कि जैसे मैं और आप बैठे हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि एटलीस्ट हमें मौका मिला है कि हम ये कर सकें, बट हमारा पूरा इंडिया ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सहायता की ज़रूरत तो है, बट इस कास्ट बेस्ड सिस्टम पे नहीं।
आपको इकोनॉमी को एटलीस्ट 3 सेक्टर में डिवाइड करना होगा, जिसमें आपका जो मेन गरीब वर्ग है जिसको प्रॉपर रिसोर्सेज, आप सपोज करिए मैं एक अच्छे बुक खरीद सकता हूँ, मैं उसे पढ़ सकता हूँ, बट जो एक गरीब बच्चा है क्या उसको वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं? तो ये जो 10% कोटा निकाला सरकार ने, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम मेरा ये मानना है 10% से कुछ नहीं होने वाला, अगर इन्हें करना भी है तो एक हिसाब से नहीं करना, 70% अनरिजर्व होना चाहिए। इस 30% में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको आप रखिए, एंड जो आपके गरीब तबके के लोग हैं उनको आप रख सकते हैं, तो एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है वो भी फॉर द सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए। और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इस हिसाब से तैयार रखना होगा, क्योंकि अगर हमें वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है तो जो डिजर्व करता है वही आगे जाना चाहिए ऊपर के लेवल पे, मतलब हर इंसान को उसका मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमें बेटर होना है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे एम्प्लॉयबिलिटी सिस्टम को काफ़ी लेवल पे बदलना पड़ेगा। बड़ा जो इशू इस बार रहा है वो है कि आपने स्टार्टअप इंडिया की सरकार ने बात करी, उनका बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप स्कीम है, मुद्रा योजना के बारे में सरकार बहुत बेसिस कर रहे हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड आपको लगता है इसमें क्या कमी रह गई अभी? मैम ये जो बात कर रहे हैं लगातार यहाँ पे आपको बात करिए ठीक है, बट आपको एक ग्राउंड लेवल पर आपको देखना चाहिए कि काम हो रहे हैं या नहीं, आपको एक मीटिंग अरेंज करनी चाहिए प्रॉपर, और ग्राउंड लेवल पर आपको स्टाफ बैठाने चाहिए। अवेयरनेस नहीं बढ़ पाई है, अवेयरनेस नहीं हो पाई हो, और करप्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप जाइए स्टार्टअप लोन लेने, ठीक है वहाँ पे मैनेजर्स बोलते हैं कि ठीक है हम दे देते हैं बट आपको टाइम लगेगा, या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू जाइए आपको एक हफ्ते के अंदर हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सब अभी भी हो रहा है, आपने अटेम्प्ट करा मुद्रा लेने का? मैम हमने एजुकेशन लोन लिया था, हमने एजुकेशन लोन के लिए कंटिन्यूअस 1 महीने बैंक के चक्कर काटे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट एजेंट मिले जो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपको करना है तो कर मिल जाए, बट आपको हमको मतलब ब्रोकर फीस दे दीजिए। कितना ब्रोकरेज दिया आपने? नहीं हमने दिया नहीं, हमने बोला कि रहने दिए हम 1 महीना और कर लेंगे लेकिन हम देंगे नहीं आपको, सॉरी। आपका नाम क्या है, हम कहाँ से आए हैं? मैम हम यूपी से बिलोंग करते हैं, अभिषेक सिंह। कहाँ से हैं आप यूपी में? वाराणसी। वाराणसी से आए हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी से आए हैं। और कोई है यहाँ पर जिसे मुद्रा योजना लेने का या एजुकेशन लोन लेने का अटेम्प्ट करा हुआ? मैं जानना चाहती हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहा। दोनों अप्लाई करा था, मेरे रिलेशन में मेरे ब्रदर इन लॉ ने अप्लाई करा था मुद्रा लोन, एंड विद इन 1 वीक उनका क्लियर हो गया था। अच्छा। और एजुकेशन लोन था वो भी मेरा, शायद मैं एक ही बार बैंक गया, बैंक वाले खुद मेरे घर पे आए थे, मुझे काफी इजीली अवेल हो गया था, सो आई डोंट नो व्हाई माय कलीग फेल्ट द प्रॉब्लम, बट अब बैंकिंग जो है वो फेयर एंड प्रॉपर। दिस इज क्वाइट वियर्ड, आपको मिल गया उनको नहीं मिला, आप सही गैंग पे गए थे नहीं गए थे आप? मैम सही गैंग पे, यहाँ तक कि हमने जो है उनकी विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे 3 बार जो है उसका कंप्लेंट किया था कि हमको लगातार बैंक जो है वो रिमूवल चक्कर कटा रहा है, उसके बाद भी वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया था। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइज, व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, व्हाट हैव बीन द बिग टेक अवेज फॉर यू गाइज, व्हाट हाउ डू यू गाइज फील अबाउट इट विद द स्टार्टअप इंडिया? या इफ वी आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज in terms of that we are getting easily financial availabilities, that is good for us, but just like that person said, if we will have the problem continuously then it will be a problem and we won't be able to survive in that competition, so that will just blow up our chance of being a part of that big thing. You want to say something? When I was working with a company and he wanted a loan from Mudra Yojana, under the Mudra Yojana, he didn't get that loan just because the government officials are asking for the commissions, the managers are asking for the kahan ki baat hai ye? It's about Delhi. In Delhi this was happening, in the national capital? Yes, it was happening. They were asking for the commission and every time they are rejecting the project reports of the company. And they didn't even issued the loan to that company. Jis wajah se finally kiya kya us company ne? Finally now the company is now not running. Us company ko band hona pada kyunki use wo loan nahi mil paya. तो ये रियलिटी है इस समय देश की, और तभी इतने सारे जितने स्टार्टअप्स निकल कर आ रहे हैं बहुत ही कम हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं, प्रॉफिट्स की तो बात बहुत ही 1% तक हो जाती है। आई वांट टू कम टुवर्ड्स गेटिंग सम क्लोजिंग कमेंट्स। अब जो यंग लोग, आप जैसे युवा जो बजट सुनते हैं, अवेयर हैं अपनी ज़िंदगी खुद, यू नो यू वांट टू राइट डाउन योर ओन डेस्टिनी, यू वांट राइट डाउन योर ओन फ्यूचर, अब जब आप लोग इलेक्शन में वोट करने जाएंगे, मैं जानना चाहती हूँ किन मुद्दों को दिमाग में रख के आप लोग वोट करेंगे, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। एजुकेशन को लेके, बिकॉज
what I think, education is very low in our country. जैसे मैं talking about government schools के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर communication बच्चों को English उनका बहुत weak है. कुछ कुछ बच्चों को तो अभी हिंदी भी नहीं आता सही से. तो education और job को लेके भी मैं बात करूँगी. I will be basically focusing on that government shouldn't play with the psychologies of people. What do you mean by that? By this, I mean that they have introduced two programs, right, for farmers. One is income support plan, one is pension plan. And in both of them, both these plans hold the name of the Prime Minister's office, which was not needed. And we know that it was just a boost to create their name in the mind of the people. Aapko lag raha hai ye sirf election gimmick hai? Yes, ma'am. And you think that should be kept aside. So you will vote for a government which is not trying to milk electoral votes, yes, but trying to get policies in place. Aaj agar Pradhanmantri ye program dekh rahe hain, theek hai, baaki ki political parties ye program dekh rahe hain, aur aap young log unko ek message dena chahte hain, kya wo message hoga? Ki pehle to youth आप सिर्फ बोलिए मत, उस पर कॉन्सेंट्रेट भी उतना करिए. और क्योंकि बोलने से मतलब यूथ नहीं बनता है, मतलब उसके लिए हेल्प करिए. आप एजुकेशन सेक्टर में आपने लाइक यू हैव गिवन द फंड, बट वो जब चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं वो चीज़ें, तो क्या फ़ायदा उसका. सो आई थिंक यस, सिर्फ यूथ की बात मत करिए, यूथ से बात करिए और उनसे बात करके निकालिए क्या है. आप क्या बोलना चाहेंगे प्रधानमंत्री को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर आज वो सुन रही हैं IBMR के स्टूडेंट्स को? सेम चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा. यूथ का बेस्ट यूटिलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में होता है. इसे करप्शन और बाकी सारी चीज़ों से मत डिस्टर्ब कीजिए. सिर्फ यूथ को प्योरली अपने पंख फैलाने दीजिए. कुछ अच्छा भी तो कराओगे सरकार ने, मैं सारे नेगेटिव कमेंट्स ही सुन रही हूँ यहाँ पर. हाँ, क्या चीज अच्छी करी है? जैसे GST के अंदर उन्होंने एक चीज डाली है कि 14% वो स्टेट को भी देंगे. ये चीज बहुत अच्छी हुई, जिससे अब इन्होंने ये क्या किया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन पे एलिगेट कर रही थी कि उनको बजट्स नहीं मिलते सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे आम आदमी पार्टी करती है. तो अब उन्होंने CGST में जो SGST तो स्टेट का है ही है, प्लस 14% भी और ऊपर कर दिया, जिससे मिनिमम 14% वो स्टेट को प्रोवाइड करेंगे फॉर फर्दर देयर डेवलपमेंट्स. मैम, अगर बात की जाए क्लीनलेस की, तो गांव-गांव तक स्वच्छ अभियान का पहुंचा है. तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है. हर मेरी ही इवन छोटे से शहरों में मैंने कहीं देखा है कि डेवलपमेंट है. बट जब हमने इन्हें पूर्ण बहुमत दी थी ना, तो इनसे उम्मीद बहुत ज़्यादा थी हमें, और उस उम्मीद पे हम इन्हें खरी उतरता देखना चाहते हैं. बस अब ये जीते या ना जीते मुझे इससे वो नहीं पड़ता, बट हमारी डिमांड बस इतनी है, जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसका मेन मुद्दा यूथ होना चाहिए. क्योंकि यूथ आज एक नए प्रधानमंत्री को युवा नेता होना ज़रूरी है. क्या आप लोगों को लगता है कि युवा नेता नहीं, आप लोगों को लगता है ये बात? Yes ma'am, you think it should be the case? Why? Because ma'am, if we see the average age of a parliament is 53 point some years, and the average age of the entire nation is 29 years, so definitely we need someone who can understand the needs of the youth, who can actually make the decisions according to the what the youth needs, what the youth requires. Okay, who else thinks ki yuva neta hona zaruri nahi hai? Bahut kam logon ko lagta hai aisa. आपको लगता है कि जरूरी नहीं है? बाकी आप सब लोगों को लगता है कि युवा नेता ही युवा की बात आगे लेकर जाएगा, ऐसा है? हाँ बताइए. हमारे ख्याल से हम युवा नेता की कोई जरूरत नहीं है. नेता वो होना चाहिए युवा के लिए सोचे, वो इम्पोर्टेंट बात है. कोई भी हो, हमें से फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे लिए काम करे हमारे लिए वही नेता होगा. बस हमारा यही कहना है. ओके, आई हैव टू रैप अप. आई जस्ट वांट टू टेक अ क्विक क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम पीपल ऑन, आपके हिसाब से क्या एक मुद्दा रहेगा जब आप इस बार जाकर इलेक्शन में अपना वोट देंगे, तो क्या एक चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे और किस बेसिस पर वोट देंगे? हम चाहेंगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटी, हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो. उसके अलावा जो हमारे स्कूल्स में जो एजुकेशन सिस्टम होता है, दे विल प्रोवाइड लैपटॉप सो दे कैन लर्न मेनी थिंग्स इजीली. ये इस वाली रो ने जो ये जो बैक बेंचर्स हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला है, मैं उनसे जानना चाहती हूँ आप लोगों के हिसाब से क्या एक मुद्दा रहेगा. एक्चुअली मेन तो एम्प्लॉयमेंट ही रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो हमें भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर हम MBA करके बाहर निकलेंगे. तो अगर मैं वोट देने जाऊंगा तो मेन तो एम्प्लॉयमेंट पर वोट देंगे. आप लोग किस चीज़ से वोट देंगे? एम्प्लॉयमेंट ही फोकस करा जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मोदी की बात हुई थी तो वो कह रहा था बहुत सारी MNCs आएंगी और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी. तो उसके बाद जब बजट डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद ये सारी चीज़ें कहीं भी नहीं दिखी, वो सिर्फ बातों में था. उसके बाद रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है.
All right, so I'm going to wrap my show now. And I think the big takeaway from today's program has been this, that if there is one issue, one fact that people of India, the young people in the country are going to keep in mind is going to be jobs and education. And the people, the group that we've met here today felt that there wasn't much when it came to jobs and education in this budget. But what happens next from now on? Is this going to be one issue that young India will be voting on? Well, that we will know in just about a couple of days from now. Like we said, barely 60 days to election. Exciting times are coming up. And also, before I go, I just want to get an understanding from everybody. How many of you here have voter ID cards? Is this only happening for the cameras? Ki sach mein hai bhi. Hey, and all of you are going to be exercising your voting rights. Yes, sir. So that's an encouraging thought. On that note, it's a wrap from us. Thank you so much for watching this episode of Youth Quake. If you like a program, you can write to us at myyouthquake@ndtv.com. And like we always say, if you're young, restless, have an opinion, write to us and we'll join you to broadcast what is it that matters to you. On that note, thanks for watching.